छोटी बहन के लिए प्यार ही राखी। शिवानी बिस्तर से उठी और अपने हैंडबैग से राखी यानी रक्षा सूत्र ढूंढ कर निकाला। फिर छोटी बहन से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। शिवानी को घर आए कुछ समय ही गुजरा था कि माँ ने ऋचा की शिकायत करनी शुरू कर दी। अपनी बहन को तो देखो, उसने शादी की पार्टी में जीन्स और शर्ट पहना था। शादी समारोह में जीन्स? शिवानी ने अफसोस भरे लहजे में पूछा कि और क्या क्या कर डाला है उसने। उसकी माँ की भौहें चढ़ी हुई थीं और वो गुस्से में लाल थी। कुछ इसी अंदाज में भड़कते हुए कहा, पता नहीं ये और क्या क्या करेगी। तुम बच्चे हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को कभी सच्चा सम्मान नहीं दोगे। मुझे अपनी बहनों की ओर से कभी आदर सत्कार नहीं मिलेगा। वो हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं कि मैं तुम दोनों का पालन पोषण करने में किसी तरह से फेल हो गई हूँ। माँ, आपको नहीं लगता कि इस बारे में बात ना करें तो अच्छा रहेगा? शिवानी बोली, मैं बहुत थक गई हूँ। यह कहते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उसने अपने कमरे के दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की। ऋचा अंदर थी, उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। शिवानी ने एक खास अंदाज में दरवाज़ा खटखटाया। उन दोनों के बीच में यह दरवाज़ा खुलवाने का एक सीक्रेट था। चटकनी खुलने की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुला और उसकी बहन ने उसे अंदर आने दिया। अंदर घुसने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए शिवानी ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, रूठी हुई हो, गुस्सा हो? उसके सवाल के जवाब में ऋचा ने अपना चेहरा तकिए से छिपाते हुए बिस्तर की ओर मुंह फेर लिया, मानो इस सवाल का जवाब ही ना देना चाहती हो। शिवानी ऋचा के पास ही बिस्तर पर लेट गई और लंबी सांस लेते हुए उसने पूछा, क्या तुम बाहर जाकर कुछ खाना चाहती हो? तुम मेरे फोन पर रजत की कॉल्स ब्लॉक करने के बारे में मुझे सब कुछ बता सकती हो। तब ऋचा ने तकिए के नीचे से ही झांका और कहा, आप ही ने तो बताया था कि आपने रजत से कहा था कि वह आपको अकेला छोड़ दे। वह फिर भी आपको तंग कर रहा है और आपने मुझसे कहा था कि आपको कॉल्स ब्लॉक करनी नहीं आती हैं, तो मैंने आपके लिए उसकी कॉल्स ब्लॉक कर दी। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं नाराज हूँ, थैंक्स। ऋचा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसके मुंह से ओह निकल गया। शिवानी बिस्तर से उठी, अपने हैंडबैग में हाथ डालकर खोजा, मानो छूकर किसी खास सामान को निकालना चाहती हो। यह लाल रंग का एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। इसके बीचों बीच एक मोती जड़ा हुआ था। देखने में यह राखी यानी रक्षा सूत्र लग रहा था। उसे निकालकर अपनी बहन से कहा, मेरे पास तेरे लिए कुछ खास है। यह सुनते ही ऋचा उत्सुकता से भर आई, रक्षा सूत्र देखने के लिए तकिए के नीचे से फिर झांका, लेकिन राखी देखकर उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। क्या आपने माँ के शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया? मैं कोई लड़का थोड़े ही हूँ। नहीं, तुम लड़का तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी रक्षक तो हो ना, शिवानी ने प्यार से कहा। ऋचा ने उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया और तकिए के नीचे से ही सिर को निकाला और रक्षा सूत्र पहनने के लिए उसने अपनी कलाई शिवानी की तरफ बढ़ा दी। तो फ्रेंड्स, यह था प्यारा दो बहनों का प्यार। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।